करनाल बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इस वक्त हम मौजूद हैं और जो फोन स्क्रीन पर आप निहंग देख रहे हैं, एक विवाद चल रहा था सोशल मीडिया पर विवाद चल रहा था कि किस प्रकार से इसी निहंग ने एक मुर्गे को लेकर जो है टांग तोड़ दी थी। आखिरकार पूरा मामला क्या है, एक ऐसा विवाद जो है कहीं ना कहीं जरूर सामने आया था। जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य कर दीजिएगा। इस प्रकार का विवाद सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा प्रचलित हो रहा था, लेकिन बात कुछ और सामने निकल कर आ रही है। क्या पूरा वाक्य है, इन्हीं से हम बात करने की पूरी कोशिश करते हैं। सर आप बताएं, क्या कुछ पूरा वाक्य था? सोशल मीडिया में किसी और प्रकार की बातें निकल कर आ रही हैं, लेकिन बात कुछ हो रहा है, पूरा मामला क्या था ये? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी फतेह जी। यह तकरीबन कल 10 बजे के आसपास की घटना है। मेरे पास है बलवान शेखपुरा जी और एक मेरे गांव का भांजा, मैं तकरीबन उसका नाम तो जानता नहीं, लंबू के नाम से बुलाते हैं हम। वो आए, बोले मेरे को जाम खुलवा दे, मैं जाम खुलवाता हूँ। जैसे मैं पहुँचा वहाँ पे महाराज के घोड़े बंधे हुए, थोड़ी सी दूर जाके महाराज का प्रकाश होता है, वो बीड़ी पी रहा था, उसने दूबा छड़ा। मैंने उसको बोले मैं भाई साहब तू इतने बीड़ी ना पिए, तू आगे जाके बीड़ी पी ले। उसने मेरे इतने हाथ मारा, गाली देने लगे, इतने हाथ मारा कि तू बोले क्या कर लेगा तू। मेरे हाथ में डंडा था, मैंने उसको डंडा मारा। मैं बताता हूँ मैं तेरा क्या कर दूँ। मैंने उसको डंडे मारे, मुर्गे में चला गया। जो मुर्गे वाली बात कहते हैं मुर्गा मांगने के ऊपर, अगर कोई उस बात को सच्चाई साबित कर देगा, मैं अपने गर्दन ला के थल्ले रख दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, नहीं जी, ऐसी कोई बात नहीं, नहीं। ये तो, एक प्रोपेगंडा है। तो टांग तोड़ने वाली भी कोई बात नहीं है? अगर उसकी टांग, उसकी एमआरआई देख लो, उसका मेडिकल देख लो, अगर उसकी टांग टूटी हुई नहीं हुई है। तो सोशल मीडिया पर बात कैसे प्रचलित हुई? प्रोपेगंडा रचना है, तो उसके खिलाफ कोई, किसी आदमी के खिलाफ कोई साजिश रचनी हो तो उसमें कुछ भी कर सकते हैं। क्या पूरा नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम नवीन सिंह संधु है, गांव मेरा कक्षण है, तहसील गरोंडा, जिला करनाल है। तो अपील क्या करना चाहेंगे तमाम लोगों से? मैं तमाम संगत से यही अपील करना चाहूँगा, गुरु महाराज से अरदास करना चाहूँगा, जिन बंदों ने मेरे साथ ये ऐसा किया, मेरा गुरु दावाना लाता गया है, हाथ जोड़ के ये विनती कर जाऊंगा, उनको सख्त सजा मिलनी चाहिए, चाहे इसमें कोई भी हो। तो कितना समय हो चुका है आपको सिख समाज से? मैं वैसे तो इस धरने में 26 दिसंबर के महीने से किसान आंदोलन में गया था, और 14 अप्रैल को बैसाखी का त्यौहार आता है, जो सिख धर्म में सबसे ज़्यादा मान्यता का त्यौहार होता है बैसाखी। उस दिन मैंने अमृतसर गया, वहाँ पर संत शिरोमणि अकाली बूढ़ा दल मौजूदा जत्थेदार बाबा मान सिंह छियानवे करोड़ी, उनकी अगुवाई में मैंने ये अमृत छकिया। मैं जब अमृत छकने लगे, मेरे केस इन्ने इन्ने थे, मैं बाबा मान सिंह को यह बोला, मैं बाबा जी मेरे केस तो इन्ने इन्ने हैं, मेरे को अमृत छकना है। बाबा मान सिंह ये गल करने लगे, कोई नहीं तो अमृत छक ले, केस तो सारी उम्र बड़ी बदले जाऊँगे। मैं कोई बात नहीं, मैं बाबा जी आपका वचन आया तो मैं अमृत छक ले, तो मैंने अमृत छके, वैसाखी वाले दिन मैंने अमृत छकिया। देखो साजिश तो है ही, मैंने एक बेड़ी की घटना को लेकर एक मुर्गे वाली घटना बना दी गई है, साजिश तो ये साथ ही है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम नवीन सिंह संधु है। देखिए नवीन सिंह संधु हैं, और सोशल मीडिया में पिछले काफी दिनों से ये बात प्रचलित तो जरूर हो रही थी, लेकिन मामला जो है दूसरा निकल कर आता है। और भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। बाबा जी क्या कुछ कहना चाहोगे, क्या ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है? वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं तुहाडे मीडियम दे इस चैनल दे राही ये गल कहनी चाहूंगा कि जेडे ये लोग खास करके निहंग सिंह बदनामियां कर रहे हैं, मुर्गा मंग लिया, शुरगा मंग लिया, ना को निहंग सिंह मुर्गा खाए ना मंगे, गुरु महाराज गुरु गोबिंद सिंह की लाडली फौज वो घट है, सानू सच्चे पातशाह सब कुछ दिता है, असी मंग के मुर्गे खाँगे किसी तो, ये सब एक साजिश है, कोई इन्हें किसी तो मुर्गा मंगया नहीं, ना मुर्गा खाए ना पीए, एक साजिश तौर पर भी इनू निहंग सिंह पकड़ लो, जिन्हें यदा बाणा लाया है पहला तो उन्होंने डुब के मर जाना चाहिए। एक निहंग सिंह का अमृतधारी का बाणा लाना ये सब तो वड्डा पाप है, कोई इन्हें जबरदस्ती अमृत छकया नहीं, अपनी मर्जी ना खुशी तो अमृत छकया, सिंह सजा है, कोई भी सज सकता है। हुण कोई कह रहा कि केस छोटे ने, हुण इहदे विच प्रक्रिया है कि जिन्हें भी अमृत छकना कोई भी अमृत छक सकता है, भावें उहदे केस ना आउण,
जिस दिन तो अमृत छक लेगा उस दिन तो शर्त है कि उन्हें अपने केस नहीं मनवाने, केस आपने लंबे हो जाएंगे। हूँ बहाना बना से केस छोटे ने, वेखो जी पकड़ो जी, उन्हें जो तो विसाखी अमृत छकया है तो केस ये बढ़ जाएंगे। इस करके उन्होंने लोगों को सचेत होना चाहिए है। हो सकता कि शायद वह इतिहास तो जाणू ना हो, कुछ ना कुछ इतिहास पढ़ लेना निहंग सिंह का, भी निहंग सिंह कौन ने उन्होंने पता नहीं। निहंग सिंह गुरु गोबिंद सिंह की लाडली फौज है। एक तो फौज आम होंगी है ना, एक बड़ी प्यारी लाडली फौज, ये वो सिंह है निहंग सिंह। तो अज तो पहला निहंग सिंह ने 19 बारी दिल्ली के लाल किले से इन्हों मुगलों तो राज छड़ा के, बाबा बघेल सिंह वो भी निहंग सिंह जथेदार सी, बाबा जस्सा सिंह रामगढ़िया, बाबा जस्सा सिंह आलूवालिया वो भी निहंग सिंह सन, बाबा फूला सिंह अकाली वो भी निहंग सिंह जथेदार सी। उन्होंने इतिहास पढ़ के वेखो तो किड्डे सूरमे निहंग सिंह होए, जिन्होंने एक मुगलों तो छड़ा के लाल किले 19 बारी झंडा चलाना, कोई खला जी का वाड़ा है को चला के तो विखाए। अज निहंग सिंह बदनाम कर रहे हैं भी निहंग सिंह आ गया, फलाने आ गए। इस करके इन्हों सचेत हो जाना चाहिए है, थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ लो भी निहंग सिंह कौन ने। निहंग सिंह फौज गुरु गोबिंद सिंह ने बनाई सी कि जिथे गऊ और गरीब से धक्का हुंदा होवे उत्थे निहंग सिंह भावें उहदा सिर भी लै जाए वह परवाह नहीं करेगा। निहंग सिंह किसी नूं दुख देने वास्ते नहीं आए, निहंग सिंह गरीबां ते गौआं दी रक्षा करने वास्ते फौज बनाई गई है। इतिहास पढ़ के देख लो। तो बाबा जी जो ये घटनाक्रम हुआ था क्या लगता है आपको, वो घटनाक्रम क्या ठीक था जो जो ये घटनाक्रम जेड़ा है ये बड़ा एक मंदभागा घटनाक्रम है, एक साजिश है लोगों की सिर्फ बदनाम करने वास्ते भी मुर्गा फेंक दो, फलाना कर दो, आंडा बगा दो। जो इससे पहले घटनाक्रम हुआ था जिस प्रकार से जो है काट दिया जाता है नियम को, हाँ हाँ वो भी सुन लो। जेड़ा निहंग सिंह जेड़ा निहंग सिंह ने काटिया है वो बंदा बढ़ के अंदर हूँ कोई गुरु ग्रंथ साहब आता है, कोई एक बाबा ढडरिया वाला पखंडी संत वो आता कि नहीं जी वो जी सर्वलोक ग्रंथ है। बंदा पूछे तू प्रचारक बनया फिरना है, सर्वलोक की है? सर्वलोक गुरु गोबिंद सिंह का ग्रंथ है, गुरु गोबिंद सिंह की बाणी है। तो सर्वलोक की जो बेदबी हो जाए तो फिर कोई गल नहीं। वो कह रहा कहीं गुरु ग्रंथ साहब ने सर्वलोक है, मेरा मतलब है भावें वह गीता भावें रामायण है ग्रंथ तो ग्रंथ ही है, वो बेदबी जरा करता फड़िया गया है। उन्होंने पहला इतिहास पढ़ लेना चाहिए है कि जदों अमृतसर के मसा रंगड़ बह गया से हूका लै के तो कंजरिया के डांस करांदा सी, उदों बीकानेर तो दो निहंग सिंह सुखा अपना सुखा सिंह महताब सिंह बीकानेर राजस्थान तो चल के आए, वह भी दोवें निहंग सिंह सन। उन्होंने आके उस मस्से रंगड़ का सिर लाया ऐस बलम उत्ते टंग के उसका सिर बीकानेर लग गया है। उन्होंने इतिहास पढ़ लेना चाहिए है भी सिंह कभी भी बेदबी नहीं सार सकता, जेड़ा सिंह है ना असली सिंह नकली तो भावें सारदा रहा है। बाबा जी कोई वीडियो भी जारी हुआ है इससे पहले जब वो बेअदबी का कोई वीडियो जारी हुआ है? नहीं, वीडियो के बारे टंडारिया वालिया का जो टंडारिया बिल्कुल मैं वीडियो सुना है उस चीज के बारे में जो वीडियो वायरल किया गया, उससे पहले भी वीडियो है उसमें कह रहा है कि हमें 33,000 रुपए दे के 20 बंदे चीमा घुड़ के, जिसमें उसने नाम भी लिखे गए हैं कि मैं उसमें मेरा नाम तो जानिए नंबर भी है 99156881 नंबर, जो नंबर इस वीडियो में बोलता भी है इस नंबर की जांच की जाए और उस 20 बंदे के खिलाफ कार्रवाई करी जाए, ये नंबर देखो किसका है और जिस वो नंबर बोल के गया है। और मैं एक और कहना चाहता हूँ वो तो सरकार देखे जो पुलिस कार्रवाई करी है उन्होंने देखना चाहिए, अभी तक तो कोई जान। उसकी सिस्टर भी कह रही है कि एक संधु नाम के व्यक्ति से ये बात करता था, जब भी फोन आता था साइड में हो जाता था और घर वालों को ये बोलता था मेरी आजकल बड़े बड़े आदमियों से बात है, तुम मेरे को क्या समझ रहे हो। तो वो देखे सरकार उसका फोन नंबर वगैरह चेक करके, जिन लड़कों के वो नंबर मांग के फोन पे बात करता था उनके उन लड़कों के फोन डिटेल निकलवाए, वो किससे बात करता था, क्या था क्या नहीं है। अब वो गुरमीत सिंह कैट है जो पिंकी, उसका भी सरनेम संधू बता रहे हैं लोग कि उसका प्रशासनिक नाम जो है
जब वो पुलिस में पहले भी मुखबरी करके 84 के टाइम उसने हजारों लड़के मरवाए लुधियाने के अंदर, और उसने अपने मुंह से भी एक्सेप्ट किया कि सैनी के कहने पे हमने बंदे मारे हैं। गुरमीत पिंकी के इंटरव्यू हैं, सारी दुनिया देख ले। अब उसका प्रशासनिक नाम जो है सरकारी हमले के अंदर, उसको भी संधु साहब कह के संबोधन किया जाता है। तो सरकार के इन्वेस्टिगेशन करवाए ना, सरकार वहां पाकिस्तान में बैठे दाऊद का तो बता देती है, फलाने शहर में बैठे आज इस पनीर गिला रोटी खाई और आज फलानी चीज गिला रोटी खाई, सरकार को ये नहीं दिख रहा। 2005-07 से लेकर और आज 15-22 आ गई जी, लगभग 600 से ऊपर मामले से गुरु ग्रंथ साहब की बेदबी के हो गए। अकाल तक केसगढ़ आनंदपुर साहब के अंदर आज से 1.5 महीने पहले एक बेदबी का मामला हुआ, घरवाली उसकी टीचर है, बाप उसका सरसे वाले प्रेमियों के अंदर कमेटी के अंदर मेंबर है, वो बंदा केसगढ़ साहब जहाँ हजारों आदमी श्रद्धालु बैठे होते हैं वहाँ आता है, बड़े मजे से सिगरेट लगा हुआ है, पीवे रागियों की तरफ फूंक मारा और फिर महाराज की तरफ सिगरेट फेंका है। उसको पकड़ के अगले ने कह दिया कि ये दिमागी तौर पर पागल था। उन 600 में से एक भी बंदा ऐसा नहीं यार जो दिमागी तौर पर ठीक हो। ये यूपी के अंदर तारापुर में होया, 2 महीने अस्पताल में रखा जी, दिमागी तौर पर पागल था, इसका इलाज करवा दिया, बाद में छोड़ दिया। मेरा एक सीधी सा सवाल है हर सनातनी भाई से, हर मुसलमान भाई से, हर क्रिश्चियन भाई से, कि भाई अगर तेरी आंखों के सामने कोई आदमी मंदिर में बढ़े एक बार नहीं 600 बार, और बार बार सरसे वाले का नाम जुड़ा है उसके साथ, लगभग जितने हैं उनमें से ज्यादातर का सरसे वाले के साथ बैकग्राउंड जुड़ रहा है, ये वाले हैं उनका कहना है कि जो हुआ वो गलत हुआ। भाई जी ऐसा है, हमारे ही देश में गदार भी हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर समुदाय में हैं, हर धर्म में हैं। डडरिया वाले तो ये भी कह रहे हैं भी कल कोई हिंदू कहेगा जी जय श्री राम बोलो नहीं तो काट देंगे, बताओ कितने के हिंदू हैं यहाँ जुड़ से, ये कह रहे हैं किसी सरदार को भी हम तलवार ठा रहे हैं तेरी मुंडी काटेंगे अगर जय श्री राम नहीं बोलिया तो। डडरिया वाला तो ये भी कह रहे हैं कल ना मुसलमान कहेंगे अल्लाह अकबर कहो। डडरिया वाला गधे को घोड़े से मिला रहा है, वो सिर्फ एक घुमा का जिस तरह अपने बालक ने आदमी ठीक नहीं साबित करा करा घुमा परा का बात कर का, वो इतनी की बात कर रहा है। एक बात बताओ, डडरिया वाले की गाड़ी के अंदर वेब कैमरे चलते हैं, डडरिया वाले के ऊपर अटैक हुआ, डडरिया वाला ये बता रहा है जी मैं तो सीट बदल के बैठ गया, टकसालियों ने मेरे पे अटैक कराया, गोली गलती से भूपिंदर सिंह को लगी और मैं तो 4 किलोमीटर गाड़ी रिमू पे भगा के ले गया। लॉजिकली बात कर लो आप, पीछे 4 आदमी है एक गाड़ी में गोली चलानी है और आप भाग रहे हो किसी बढ़िया से बढ़िया गाड़ी में भी, आप तो रिमूवा भी गाड़ी 4 किलोमीटर भगा कर ले गए और मेरे पास अमरूती भी नहीं रलेगी उस गाड़ी ने। डडरिया वाला अपनी गाड़ी के वेब कैमरे की रिकॉर्डिंग चालू दिखा देना लोगों को भी गोली मैंने मारी थी या किसी और ने बाहर से मारी थी, अगर रिकॉर्डिंग की बात है तो। यहाँ मारपीट हो जाए भाई साहब, आप लाइव चल रहे हो तो कुदरती लाइव हो जाएगा, नहीं तो मैं इस भाई के गल पड़ जाऊँ, ये मेरे पड़ जाए यहाँ पे, यू पहला अपना जान बचाएगा अगर रिकॉर्डिंग करेगा। की बात कर रहे थे लेकिन वीडियो भी अब कहीं ना कहीं जारी हो चुका है। हाँ वीडियो तो हो चुकी है जिसमें वो एक्सेप्ट कर रहा है भाई मेरे को 30,000 रुपया दे के भेजा, ये नंबर है, 20 आदमी हम आए हैं, प्रशासन कह रहा है कानून हाथ में ना ले, तो भाई कानून के हिसाब था फैसला कर दो आप, न्याय दे दो। क्या कहना चाहेंगे डडरिया वाले को? यही कहना चाहूंगा भाई हाथ जोड़ का विनती है, सिखों को बदनाम नहीं करे, नाम किसी को ये कहते भी धक्के से गुरु ग्रंथ साहब को मान, नाम किसी दूसरे धर्म की डिसरिस्पेक्ट करते, लेकिन ये है भी बात को घुमा फिरा के तो अपनी लड़ाई को निजी लड़ाई को ऐसे कौम में मत बांट, बस यही कहना चाहूंगा। आप ये देख सकते हैं यही वो निहंग है जिनको लेकर जो है एक विवाद सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा चला, और इसी बीच में और भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जेपी भाई क्या कुछ कहना चाहेंगे, आखिरकार पूरा विवाद क्या था? आप काफी लंबे संपर्क से मुर्गे वाला जी, तो अगर बलवान से पूरा एक आदमी और नहीं होता ना, इस भाई पर पूरा ब्लेम लग गया था, मुर्गा मुर्गा। हमने तो 2 दिन पहले ना पोस्ट पर भी लिख दिया था कि कल अखबारा में होगा मुर्गा मुर्गा मुर्गा, पर जैसे ही इस पर 11:30 बजे ये बंदा बलवान शेखपुरा सुनाने वाला, उसने इसको ये कहा कि जाम खुलवा दे मेरी गाड़ी निकलनी है, वहाँ जगह भी देख का है, वहाँ से भीड़ होती होती हो, जैसे ही मनोज पासवान भी आ रही रेडी लेकर आया, उसकी रेडी में मुर्गे जरूर थे पर वो बीच में आकर खड़े हो गया। बीच में खड़े होने के बाद ये कहने लगा नवीन उसको, भाई आगे कर ले पीछे कर ले गाड़ी काटनी है, वो के लगे बीड़ी पी रहा था, उसके मालिक ने भी मेरा कि मेरा बंदा एक एक मिनट बाद बीड़ी पीता है, उसके मालिक ने भी बताया मरता है, पर बात टाल दी उन्होंने, वो बीड़ी पीकर इसके मुँह पर तुम मानता गया, उन्होंने तुम अभी छोड़ रहा, तो उसने इसके गिरा बान का नहीं लिया,
मैं ही पूछ रहा था तक क्यों से क्या जरूरत थी लठमार की, यूं बोला भाई मेरे पर रहा नहीं गया तो ठीक है यही लाडली फौज है इसने डांडी मारी। लठ मारने के बाद श्याम नाम सारे पदाधिकारी हॉस्पिटल में गए उन्हें देखने बिहारी ने उसकी वो डॉक्टर ने बोलिया यार ऊपर तो प्रेशर आ रहा है इसने छुट्टी देऊँ ना देऊँ इन्हों का ठीक है सोई आ रही है। 8 बजे उसने लिख कर दे दिया भाई कल 11 बजे समझौता कर लेंगे दोनों पार्टी, व्यक्तिगत मामला था दोनों का। और रात 9-10 बजे ऊपर तो प्रेशर आया इसकी FIR काट दी मुद्दा बढ़ाने खातर, मतलब मुर्गा मुर्गा पूरे। पता क्या ये किसान संसार आंदोलन है, इस पर टैक पटाक हो रहा है। किसान संसार आंदोलन के तहत एक नियोगा का जो कांड हुआ था अपने बेरा है 15 तारीख को वो तो छुल ही रहा था। उसके बाद जो यू भाई मारा मिला है जिस जिंदगी में मुर्गा भी नहीं खाता ना बीड़ी पीता ना कुछ पीता, इसके घर तसल्ली कर ले पास के गुआंड का है, इसको बदनाम करने के लिए नहीं अंगासे है। तो ये प्रोपगंडा कई दिन तक करवाना था। शुक्र वाहेगुरु का परमात्मा का आज मान तो कहीं हमारे बीच में बैठा है। यह तो थी राम कहानी, सोई आ रही थी उसकी टांग भी ठीक सब कुछ ठीक, वो बिहारी बेचारा भी रोन लाग रहा नहीं तो 15-20 हज़ार रुपये देखा आपस में समझौते थाने में नहीं होए गए करनाल में नुता हो दो लड़ाई हो जाए थाने का थानेदार नु का आगरा या तो बाहर बैठ कर समझौता कर लो नहीं चलान काटूंगा। ओढ़ाई साले केस में जबरदस्ती बोले इसका तो कटेगा तो जहरीली सियासत में कटे ना इसका चलान। तो ये चीज थी मुर्गा होंदा यू अगला कहने लग रहा गर्दन कटवा लूंगा। 10 बजे तड़के कोई मुर्गा मांगा करेगा सामने ना मांगा करा मुर्गा क्यों 10 बजे इतना बड़ा आंदोलन चल रहा है जी। नवीन संधु अमृतधारी या कैसे भी बैसाखी तो आपने देखा नवीन संधु अमृतधारी और किस प्रकार से मामला कुछ और निकलता है और सोशल मीडिया में दुनिया ना खुआन लाग रहे युवा से है बता क्या क्या बता ओडा जी इतना बड़ा लंगर लग रहा दुनिया का हम खड़ान लग रहे मुर्गा मांगेगा कोई तड़की तो ये चीज इतने बड़े दुनिया खान लग रही ओडा जी लंगर तो सब गया है सभी फिर घूम फिर घोड़ा आ गया इस पलवान ने कहा भी चला जाए पब्लिक कट्ठी होगी तो डंडा मार दिया। वो जो नियंग थे वो जो उनसे वो भी और मीडिया थी जो उनसे वो इसके ऊपर चढ़ गई तूने क्यों मारा तूने ही करे बढ़ा गया इन्हें कहा भी ओड़ा परमात्मा देखा भाई तुमने वो बिहारी का मालिक था वो भी पूरी तरह से अपना सरकार के उसमें छा गया पूरा उनने तो मुर्गा 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 अगले दिन अखबारा मुर्गा मुर्गा सच्चाई सामने आ गई है। शुक्र है परमात्मा का पलवान ने उन्होंने थे उड़ा। तो इस प्रकार का बयान जरूर जारी हुआ है और किस प्रकार से जो निहंग है उन्होंने अपना बयान दिया है कि ऐसी कोई बात नहीं थी। जी हाँ ऐसी कोई बात नहीं थी, मुर्गे को लेकर विवाद नहीं था, विवाद था बीड़ी को लेकर। जब निहंग ने ये बोला जो मुर्गा लेकर आया था जो जिस रेड़ी पर मुर्गियां लादी हुई थी वो कहीं ना कहीं बीड़ी पीता हुआ जरूर नजर आ रहा था और इस निहंग ने साफ कहा कि साहब आप बीड़ी ना पिए। इसी को लेकर विवाद बढ़ा और विवाद ऐसा बढ़ा कि जो लांछन है वो जरूर इस पर लगे। फिलहाल इनका ये कहना है कि मुर्गे को लेकर लड़ाई नहीं थी, लड़ाई थी बीड़ी को लेकर। तो ये बात सामने आई है। जितने भी लोग हमारी इस खबर को देख रहे हैं इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर भी अवश्य कर दीजिएगा।